हेलो दोस्तों, अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो आपको आपके डीवीआर में आपको हार्ड ड्राइव का कोई भी एरर आ रहा है या कोई ऐसा मैसेज आ रहा है कि वर्किंग एसएसडी इज़ नॉट अवेलेबल, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे टेक्निकल बी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हमने अपना DVR ऑन किया, ये उसका लोगो है, वेलकम इंडिया। आपका DVR किसी भी कंपनी का हो सकता है। ठीक है, आप देखिए फ्रंट में DVR चलते ही ये आप एक छोटा सा मैसेज आ रहा है इसमें कि वर्किंग HDD इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क इसमें कोई भी वर्क नहीं कर रही या इसमें आपकी कोई भी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हुई हुई। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये हमने आप DVR लगा के रखा हुआ है। ठीक है, चलो इस DVR को हम खोलते हैं। इसका कवर ओपन करने के बाद इसमें हम आपको हार्ड ड्राइव दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देख सकते हैं इसका कवर हमने हटा दिया है और इसमें हमने हार्ड ड्राइव लगा के रखी हुई है। ठीक है, चालू वर्किंग में है पर मैसेज आ रहा है नॉट वर्किंग का। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, और ये रेड वाली वायर है, जो ये डाटा ट्रांसफ़र की है, जो भी रिकॉर्डिंग होती है हमारी इसके ही ज़रिए ट्रांसफ़र होकर हमारी हार्ड ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है दोस्तों, पर कई बार हम इसे चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर ज़्यादातर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अगर तो हम ये पावर पिन को निकाल देते हैं। ठीक है, पावर पिन निकालना ज़रूरी है। उसके बाद हम ये साटा केबल को निकालेंगे और पावर केबल को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने साटा केबल उतार दी है, ये पावर केबल भी हमने उतार दी है। ठीक है, अब DVR से हम इसे अलग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सीगेट कंपनी की जो हार्ड ड्राइव है हमने लगाई हुई है इसमें, और इसकी कैपेसिटी 160 GB है, 160 GB जाने की। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों, यही हार्ड ड्राइव हम आपको कंप्यूटर्स के ज़रिए फॉर्मेट मार कर दोबारा से इसको वर्किंग में चलाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने PC के पास। ठीक है, ये हमारे PC में हम इसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इस अपने PC में Windows 7 इंस्टॉल करके रखी हुई है। ठीक है, और 7 विंडो में ये बड़े आराम से फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, और हम ये साटा केबल इसको PC के साथ जोड़ने के लिए हमें डिटेक्ट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, और ये हम अभी इसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट होने के लिए, हाँ जी, अभी हार्ड डिस्क आपको डिटेक्ट होकर हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये हमने साटा केबल इसमें लगा दी है। ठीक है, अब साथ में इसमें पावर केबल लगानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये PC में एक्स्ट्रा होती है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये पावर केबल लगाते ही आपको महसूस होगा कि आपकी हार्ड ड्राइव चालू वर्किंग में हो गई है। ठीक है, और विंडो के नीचे डिटेक्ट का मैसेज भी आएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए, हमारे टास्क बार में एक मैसेज आ चुका है, और ये देखिए ध्यान से, यू आर डिवाइस इज़ रेडी टू यूज़। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैसेज आ गया है, तो हम अपने PC के माई कंप्यूटर में जाते हैं। माई कंप्यूटर खोल के आपको दिखाएंगे कि इसमें वो पार्टीशन आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव की कोई भी पार्टीशन शो नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, ये हमारे, ये देखिए, कोई भी यहाँ पे पार्टीशन नहीं आई। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखते रहिए आप। ये माई कंप्यूटर पे जाकर आप ये मैनेज सेकंड वाली ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, और
उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो डिवाइस मैनेजर है ये इसको नहीं आपने खोलना, ठीक है। उसके नीचे वाला है जो डिस्क मैनेजमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक मैसेज आएगा आपको डिस्क वन का, ठीक है। तो आपको वो GPT में इसको क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो नीचे ही आपकी जो डिस्क वन है, ठीक है, वो पहले वाली जीरो है जो, वो तो हमारी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है, ये आपको शो हो गई डिस्क वन, ठीक है, जो हमने अभी अभी डिटेक्ट की है। अब इसे न्यू पार्टीशन में हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट कीजिए और इसमें यहाँ पे पार्टीशन कोई भी मत कीजिए और ऐसे ही इसको नेक्स्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद फिर इसे नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो हमारी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट होने के लिए रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं हम, ये फॉर्मेट हो रही है, ठीक है। तो फॉर्मेट हो चुकी है ड्राइव हमारी, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। ये ड्राइव भी बन गई है नई उसमें, और अब ये माई कंप्यूटर में भी शो होने लग चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पार्टीशन हमारी आ चुकी है, और बस अब इसे हम वहाँ PC से उतारेंगे और अपने DVR में वैसे ही लगा देंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से वर्किंग करने लगेगी, इस तरह से आपका बहुत सा पैसा बच सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप ऐसे ही दिखा देते हो किसी को तो वो कहते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो चुकी है तो आपको नई डलवानी पड़ेगी, पर इस प्रकार से आप अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट मार कर ही चला सकते हो अपने DVR में, ठीक है दोस्तों। तो हम देख लीजिए यही हार्ड ड्राइव को अपने DVR में डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये बड़े आराम से चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका बहुत सा पैसा बच सकता है, क्योंकि आजकल DVR अगर आपके पास नहीं भी है, आपके दोस्तों के पास है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करके उनका पैसा बचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये अच्छी तरह से पिन हमारे लगा दिए हैं, ठीक है। अब पावर केबल लगाएंगे। पावर केबल लगाने के बाद ये देखिए इसमें पावर आ चुका है, और ये हमने LCD लगाई है इसमें, आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल भी हमने दोस्तों वीडियो को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बनाया है, इसमें कोई भी फेक वाली बात नहीं है। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ही हमारी मदद कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारा DVR ऑन होने जा रहा है, देख सकते हैं इसमें जो लोगो फिट किया हुआ है वेलकम इंडिया का, वो आ चुका है, ठीक है। और ये लोगो भी आप चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोगो पे भी बना रहे हैं। तो देख रहे हैं, ये देखिए आप, हमारी हार्ड ड्राइव डिटेक्ट हो चुकी है। ये देखिए कैमरा नंबर 2 पे जो एक निशान बन के आ रहा है, वो हमारी रिकॉर्डिंग का ही निशान आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी हार्ड ड्राइव पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और इसमें वापस से रिकॉर्डिंग होना चालू हो गई है, और मैसेज भी नहीं कोई आया ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।